इनके पास और कोई सहारा है नहीं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे इनको ये अच्छी तरह से रिहैबिलिटेट हो जाए और मैं भी इनको अपनी तरफ से जो मकान नए सिरे से कंस्ट्रक्ट करें उसको अपने फंड्स में से भी मैं इनको 1,20,000 दे रही हूँ। तो इस तरह से मुझे लगता है ये उस तरह से थोड़े से रिहैबिलिटेट हो जाए और अपना मकान बनवा सकेंगे। केयरली इनको एक रेड क्रॉस मिलेगा जो अभी इनको मिलेगा, उसमें से हम ब्लैंकेट्स जो बर्तन होंगे वो देंगे और चावल वावल का इंतज़ाम कर लेंगे, आटा वगैरह। और उसके बाद जो है वो इमीडिएट रिलीफ ही है जो वो 1,07,000, वो तो हम इमीडिएट, मैंने जिस हिसाब से ऑलरेडी उनको उनके साथ बात की है तभी तो पूर्णिमा जी एडिशनल डीसी साहब आए, तो इमीडिएटली वो भी हम इनको कर लेंगे। तो अब इनको रहने के लिए इस वक्त जगह है, उन्होंने मैंने कहा था इनसे हमारा यहाँ पर कम्युनिटी हॉल है, मैंने वो इनके लिए अवेलेबल रखा, लेकिन उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो उन्होंने कहा हम इस वक्त एक रिश्तेदार के घर में जा रहे हैं तो ये वहाँ पर सेटल डाउन हो जाए जब तक ये यहाँ।